हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं पनीर के पकोड़े। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस पनीर के पकौड़े की रेसिपी को शुरू करते हैं। सेजवान पनीर पकौड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर। ये मैंने रेडीमेड पनीर यूज़ किया है। बेसन हम लेंगे 100 ग्राम। सेजवान चटनी मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच। किसी भी ब्रांड का सेजवान चटनी यूज़ करें। कटा हुआ धनिया पत्ता 1/3 कप। तेल हमें चाहिए पकौड़े को फ्राई करने के लिए। क्रस्ट ब्लैक पेपर लेंगे 1/4 छोटा चम्मच। हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। गरम मसाला पाउडर 1/3 छोटा चम्मच। और नमक हमें चाहिए स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम ये जो बेसन है इस बाउल में ये हल्दी पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल दें, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। याद रखें सेजवान चटनी में भी नमक रहता है तो नमक थोड़ा सा कम डालें। फिर ये ब्लैक पेपर क्रश करके डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ब्लैक पेपर का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर क्रश करके डाल दिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को बेसन में अच्छी तरह मिला देंगे। और ये मैंने मिला दिया। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस बेसन का हमें गाढ़ा घोल बनाएंगे। पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, मिलाया बेसन को। वापस थोड़ा सा पानी डालें, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें। हमें एक थिक बैटर बनाना है इस बेसन का। और ये हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। तो इसमें ये कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दें, इसे भी मिला दे बेसन में अच्छी तरह। और ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं पकोड़े बनाने की तरफ। तो उसके लिए ये पनीर जो है इसे पहले हम काट लेंगे। तो इसे आप रेक्टेंगुलर शेप या फिर स्क्वायर शेप में काटें। ये मैंने इसे बराबर हिस्सों में काट लिया है, ये देखिए। अब इस पनीर को हम 2 हिस्सों में फिर से काटेंगे, ये देखिए। तो वापस इसके 2 टुकड़े कर ले ऐसे। और ठीक इसी तरह सारे पनीर के टुकड़ों को हम ऐसे 2 हिस्सों में बांट लेंगे। और ये मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये पनीर के 2 स्लाइसेस के बीच में हम सेजवान चटनी लगाएंगे। अगर आपके पास सेजवान चटनी नहीं है तो आप हरी चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। और ये मैंने सेजवान चटनी लगा दिया है। फिर दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर ऐसे रख दें, बस इसे हम अलग प्लेट में रख देंगे। और ये मैंने इसे प्लेट में रख दिया है। ठीक इसी तरह हम बाकी पनीर के स्लाइसेस को ऐसे स्टफ़ कर देंगे सेजवान चटनी से। स्प्रेड कर दे अच्छी तरह, दूसरा स्लाइस लगा दे उसके ऊपर। आप चाहे तो इसके किनारों से जो एक्स्ट्रा चटनी निकल रही है उसे ऐसे स्पून से या फिर नाइफ से निकाल दें। और इसे भी रख देंगे इस प्लेट में। और ठीक इसी तरह हम बाकी पनीर को भी ऐसे सेजवान चटनी से स्टफ्ड कर लेंगे। ये देखिए, निकाल दे इसके एजेस को। अब हम चलते हैं इसे तलने के लिए। तो यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई गर्म किया है, तेल डाल दें। तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे हाई फ्लेम पर। जैसे ही तेल गर्म हो जाए हम बैटर को एक बार मिक्स करके थोड़ा सा ऐसे ड्रॉप करेंगे ऑयल में, ताकि हम तेल का टेम्परेचर चेक कर सकें। ये देखिए, ये ऊपर तैर रहा है, मतलब तेल गर्म है। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दे। जैसे ही तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब हम इस चटनी वाले पनीर को ऐसे बेसन के घोल में डिप करेंगे अच्छी तरह। ये स्पून से इसके ऊपर बेसन का घोल डालें, कोट करें इसे अच्छी तरह। और फिर स्पून से हम इसे गर्म तेल में डाल देंगे। ध्यान रहे पनीर जो है वो खुले नहीं। तो ये सावधानी से इसे बैटर में डाल के और फिर स्पून से ये प्रोसेस करें। आप चाहे तो बेसन का जो ये घोल है वो थोड़ा सा गाढ़ा बना सकते हैं। मुझे पनीर के ऊपर बेसन की पतली लेयर अच्छी लगती है, इसलिए मैंने घोल को थोड़ा सा पतला बनाया है। तो ये मैंने 1/4 पनीर का जो पकौड़ा है वो डाल दिया ऑयल में। बस ज़्यादा पकौड़े एक साथ ना डालें। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे पलटने के लिए हम फोक का यूज़ करेंगे ताकि ये टूटे नहीं। ये देखिए, पलट दिया मैंने इसे। अब हम इसे दूसरे साइड से भी पका लेंगे।
गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और इसे तब तक पकाएं जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए या फिर पकोड़े अच्छी तरह फ्राई ना हो जाए। और आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मतलब ये पकोड़े जो है वो फ्राई हो चुके हैं। तो बस एक किचन टॉवल पे हम इसे निकाल लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये देखिए, ये हमारे पकोड़े बन गए हैं। ठीक इसी तरह हम बाकी के पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। सेम प्रोसेस यूज़ करें, गैस का फ्लेम मीडियम रखें, इसे भी तल लेंगे ऐसे ही। और ये मैंने इसे दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, निकाल ले इसे। और ये हमारा पनीर पकौड़ा तैयार हो गया जिसमें हमने सिजवान चटनी स्टफ़ की है। ये देखिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ ताकि ये पकौड़े भीतर से कैसे दिखते हैं, ये देखिए। तो आप मेरी इस सिजवान चटनी वाले पनीर पकौड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।